कारण की जरूरत ना पड़ी है हमें, नहीं तो हमारी घर में लाइन लगी होती कारण की। इतना रुपया मेरे पापन पे उड़ रहे हो तुम यहाँ सेकंड हैंड डिब्बा वाले कार के। हम सेकंड हैंड डिब्बा में उड़ तो रहे हैं, तुम तो बाइक पे उड़ते रहियो और बूढ़े है जाओगे बाइक पे उड़ते उड़ते। हम कार में उड़ तो लिए, तुम्हारी औकात तो इतनी भी ना है। धनवा जिंदगी में काम ऐसे करने चाहिए जो और पास के लोग फूके देख के। हाँ फूके के उरा यू कैसे कर रहे हो ऐसा, उरा कैसे कर ले भाई यू ऐसा, पैसा कहाँ के आ रहा हो यहाँ पे इतना। देखियो रोज नए नए जूता ला रहे हो खरीद के, रोज नए नए कपड़ा ला रहे हो और ऐसे डोले नहा धो के, पता ना कहाँ के पैसा आ रहा हो यहाँ पे इतना। जितनी फुकाई जावे ना लोगन की उतनी फुका के रखो। तू कर सके यार भज्जी ऐसे काम, अन्य मुँह पे न होंगे यार, हम पे कहाँ इतना पैसा, हम तो एक एक पैसा को तरस रहे आजकल। तू कर सके, तेरे पापा है अमीर तो तू कर सके ऐसे काम, अन्य तू फुका के रख सके लोगन की। हमारे बस की ना यार लोगन की गांड फुकाने। हमारे घर के सामने एक समोसे की दुकान है, वहाँ पे एक आदमी आवे रोज, हाँ रोज आवे एक आदमी, रोज समोसे खा के जाएगा। मुँह तो वहाँ देख कर मेरी गांड फुक जावे के यार यहाँ पे पैसा कहाँ से आ रहा है, इतना कहाँ से खा रहे हो इतने पैसे के समोसे। रोज आ जाएगा सुबह सुबह मुँह उठा के समोसे की दुकान पे, मुँह तो वहाँ देख के गांड फुक जा मेरी। हम पे सास के जहर खाने को पैसा ना, वो लोणू चंद रोज सुबह सुबह आके समोसे मार के चलो जाए। फिर तो तेरी गांड कारी पड़ गई होगी है फुक फुक के। ए यू तो बस कही सुनी बात है, कारी पड़ जाएगी वो पड़ जाएगी, यू तो बस लोग कहे में ऐसे, पर ऐसा होगा कुछ ना। मतलब देखते ना अपनी और का, जो हमारे घर के पास समोसे खाने आवे ना, मैं वहाँ देख कर रोज फुका। मैं भी यू ही बात सोच रहा हूँ यार, ऐसे तो मेरी बहुत कारी पड़ जाएगी, ऐसे यार देख देख के फुकाऊंगा तो मैं रोज। तो फिर मैंने सोची कि यार ऐसे मैं रोज रोज फुकाऊंगा तो ऐसे तो मेरी गांड मेरी कारी पड़ गई होगी, तो मैंने शीशा में जाके देख ही ली एक दिन, तो कुछ ना हुआ ऐसी की ऐसी, तो मैं समझा यार यू तो कही सुनी बात है बस। माधर चोद, अगर तू अपनी गांड फुकानी है तो ऐसी चीज देख के फुका जो कोई लाखों की चीज खरीद रहो, करोड़ों की चीज खरीद रहो, उन्हें देख के अपनी गांड फुका। कोई समोसा खा रहा भैया देख के अपनी गांड फुका रहो, बताओ समोसा भी ना खाने को कहिए मतलब तू। कोई अगर तेरे मोहल्ले में बाइक ला रहे हो लेकर के या नई कार ला रहे हो लेकर के, उन्हें देख के अपनी गांड फुका, मतलब कोई समोसा खा रहा हो नहीं देख के गांड फुका ले रहे हो अपनी, बताओ कहिए समोसे भी ना खाने को चलते। अरे मैं बात है मैंने थोड़ी कर रहा हूँ समोसे खाने की, खावे समोसे हफ्ता में एक बार खा लियो, दो हफ्ता में एक बार खा लियो, ऐसे खावे, पर रोज रोज खाने की क्या जरूरत है भाई। लोणू चंद हमारे घर के सामने डोनर ने फेंक कर चलो जावे, जो पता लग जावे कि हाँ आज भी खा के चलोगे समोसे। हमारे घर में ऐसा होगा पापन ने काय दिन मनते दे दिए कि ले बेटा समोसे खाया, एक महीना में दो महीना में ऐसे पैसे मिले हमें समोसे खाने की, वो सास को रोज खावे तो बता गांड न फुकेगी मेरी। गांड न फुकेगी मेरी, बताओ हद है, 10 रुपए की चीज पे अपनी गांड फुकाए ले रहे, कोई कोई बात है यू, लाखन की चीज हो तो बात मान सकू के हाँ फुकेगी गांड फुकेगी, 10 रुपए की चीज पे गांड फुकाए ले रहे हो, बताओ खावे वो समोसे रोज आके। ए कौन की गाड़ी है यू, पता ना कौन बैठो है हमें। माधर चोद छपरी है यू तो। हेलो कहाँ है मेरी स्वीट हार्ट, मुझे तुझे कुछ दिखाना है। अरे आ तो सही एक बार मेरी जान, स्कूल के सामने वाली गली में आ जा जल्दी, आ मुझे तुझे दिखाना है कुछ आज। अरे मेरी जान तू देख के खुश हो जाएगी, एक बार आ तो सही। कहाँ के लिए आया यार, कई रिश्तेदार विश्तेदार की होगी है, रिश्तेदार आए होंगे तेरे घर, यही मारे घुमाए डोल लगी है यार। रिश्तेदार की चलांगे हम हैं, रिश्तेदार की चलांगे अपनी है अपनी खुद की, आज तक जो चीज चलाई है ना हमने खुद की चलाई है, खुद की औरन की चीज से हाथ नहीं लगाया आज तक। रिश्तेदार की होगी ना रिश्तेदार की होगी। तो इतना एटीट्यूड में काई को बात कर रहे हैं, या बात बता इतना एटीट्यूड में काई को बात कर रहे हो, निकाल लाए तो या सेकंड हैंड कार है बनो नवाब। तो काहे को सेकंड हैंड है, तो 7 लाख की है, 7 लाख की खरीदी है पापन ने अभी, सेकंड हैंड बेशक सही 7 लाख की है। 7 लाख रुपए उड़ायो मेरे पापन ने कार दबाने के लिए मुझको। वो सेकंड हैंड पसंद आ रही है इमारत में आलायो खरीद के, नहीं तो 7 लाख की नहीं निकाल ला तुम्हें। सेकंड हैंड तो सेकंड हैंड ही हो गए, कैसी कैसी बात है धनुआ। हाँ हाँ सही कह रहा बिल्कुल, तो सेकंड हैंड ही सही है तो सही, हमारे पास सेकंड हैंड है तो सही, तुम्हारे तो बस की सेकंड हैंड भी निकालना ना है। तेरे पापन पे तो करोड़ों रुपए, तुम तो अब तक बाइक पे डोले हो, तुम पे कार है, तुम पे कार है, हमने सेकंड हैंड खरीद तो ली, तुम्हारी औकात ही ना कार खरीदने की। अपनी औकात के बाहर जा रहा हो तू छपरी, सुनी था ना, औकात पे मत चलो जाइयो, सुनी औकात पे मत चलो जाइयो। अगर तुम्हारी कार खरीदने की औकात होती तो तुम पे कार ना होती अब तक, तू ही बता, तू ही सोच यह बात। हमें अब तक जरूरत ना पड़ी है कारण की, सुनी था ना, कारण की जरूरत ना पड़ी है हमें, नहीं तो हमारी घर में लाइन लगी होती कारण की। इतना रुपया मेरे पापन पे उड़ रहे हो तुम यहाँ सेकंड हैंड डिब्बा वाले कार के। हम सेकंड हैंड डिब्बा में उड़ तो रहे हैं, तुम तो बाइक पे उड़ते रहियो और बूढ़े है जाओगे बाइक पे उड़ते उड़ते। हम कार में उड़ तो लिए, तुम्हारी औकात तो इतनी भी ना है। अगर मैं चाहूँ तो आज निकाल लूँ कार आज, और ऐसी डिब्बा ना निकालूंगा, देखने दिखाने लायक कार निकालूंगा, हाँ आज निकालूँ पापन से कह के। और मने कर ना सके मेरे पापा काई बात की, मने करे ना, हाँ कब की निकाल ले तो कार की जरूरत ही ना मुझको, या मारे निकाल रहा मैं कार तो। रहन दे कुछ ना ना बता, का कहना चाह रहा हूँ, बता पहले या बात बता ना रहन दे।
बता रहा हूँ ना, बता रहा हूँ पेट में तो कुछ है। ए, मैं यूं कह रहा हूँ दिवा सके तेरे पापा तो को कार, दिवा सके तो को जरूरत ना तो को, अगर तो को जरूरत होती तो कब को खरीद लेता तू कार, कब को दिवा देते तेरे पापा तो को कार। देख ले मजा ले रहो तोते। बस आज आज रुक जा तू। हाँ बस आज आज ना, मैंने कल यहाँ पे लाके कार खड़ी कर दी। मेरा भी नाम भज्जी ना है। हाँ बहुत बहुत बेइज्जती कर रहा हूँ ना तू मेरी। सही है सही है सही है, ले आइयो कल कार। लोणू चंद हसरो भज्जी जो मुँह में तो जवान निकाल देवे ना, जो कह देवे मुँह में तो वो हो कहीं रहवे। अब यहाँ कह दिए ना कार खड़ी मिलेगी, यहाँ तो कार खड़ी मिलेगी, देख लेंगे कल देख लेंगे। देखा बेटा तू आज दांतन ने तो कल ही बात होगी। अब कार ही मिलेगी तो भी यहाँ खड़ी हुई कल, सुनी। ऐसे जवान देने वाले जन कितने देख लिए मैंने भज्जी, जैसो ना देखो होगा, जो कह देवे ना वो हो कहीं रहवे, सुनी। अगर या को बाप या को कार दिवा तो कब को दिवा देता, यहाँ चला रहा है मोह, कल कार खड़ी मिलेगी ना खड़ी मिलेगी, जन कितने देख लिए या जैसे मोह बजाने वाले सारे गण फुक रही है, मैं कार निकाल लाया हूँ तो। ए छपरी तो कह तो दइए गुस्सा में, कल कार खड़ी मिलेगी यहाँ पे, पर कैसे बात करूँ पापन से कार की। ऐसा ना हो पापा दिवा में ना कार और कल बेचती है जब वहाँ जाके। बहुत हंसेगा छपरी, बाकी हंसी है तो देख लूंगा सारे के दांत वाँत न तोड़ दूंगा, दांत दिखाए तो। कैसे बात करूं पापन के कार के बारे में, ये सही आइडिया है। हाँ ऐसे मानेंगे पापा। बहुत गलत हुआ, ऐसा ना होना चाहिए। भगवान करे हमारे घर में तो बिल्कुल भी ना होगा ऐसा। जी हाँ का है गो, ऐसा ना होना चाहिए, वैसा ना होना चाहिए, हमारे घर में बिल्कुल भी ना होवे, का है गो, कैसे बड़बड़ा रहा हूँ मनी मन में। अब कैसे कैसे बताऊँ पापा तुम्हें। ए हमें भी तो बता दे का बात है, कैसे उदास बैठो। ए पापा एक बीमारी चल रही है। कैसी कैसी बीमारी। अब यू ही तो कोई पता ना लगा पा रहा कैसी बीमारी है, कैसी बीमारी है, साइंटिस्ट भी फेल है बीमारी के सामने। हाँ ऐसी बीमारी चल रही है एक। और पापा यू बीमारी ऐसी है बस शादीशुदा आदमी पे ही फैल रही है। हाँ शादीशुदा आदमी पे ही। शादीशुदा लड़की पे ना फैल रही। ना पापा शादीशुदा लड़की पे ना फैल रही यू बीमारी, शादीशुदा लड़कन पे फैल रही है, तभी तो यू अजीब बीमारी है, साइंटिस्ट भी पता ना लगा पा रहे कैसी बीमारी है यू और कैसे ठीक होगी। कौन सी बीमारी है ऐसी पापा। यू बीमारी ऐसी है यू जब आदमी पे लग जावे ना तो आदमी कम से कम 2-3 घंटा में 80-85 साल को है जावे और अगले दिन खत्म। अगले दिन खत्म। हाँ पापा तो तुम्हें ही सोचो जब 2-3 घंटा में 80-85 साल को है जावे तो 2-3 घंटा और सही तो 100 साल तो आदमी वैसे ना जीवे तो अगले दिन खत्म ही है जाएगा और का होगा बागो। और यू बीमारी उनकी फैल रही है जो उन पर 2-3 बालक है, मतलब शादीशुदा आदमी पे ही फैल रही है यू बीमारी। जैसे तुम है गए और तुम्हारे दोस्त पे भी 2-3 बालक है वो है गए, ऐसे ऐसे आदमी पे फैल रही है। हमारे और पास के घर में लगी है कई ऐसी बीमारी। हाँ क्यों ना लगी, तभी तो मैं अफसोस है रहा, मेरे दोस्त के पापन के लग गई यू बीमारी और अगले दिन खत्म है गए, वो पहचान भी ना पा रहा अपने पापन ने। यू तो मेरे पापन है, मेरे पापा तो कम से कम 30-35 साल गए, यू तो कम से कम 100 साल को आदमी है। तो बाद में जाकर पता चली कि हाँ यू मेरे पापन है। ए मुंह में ना लग जाए यू बीमारी, कहीं मैं भी टपक जाऊं ना, मुंह में ना लगेगी। कहे पापा। ए कुछ ना हुआ, कोई इलाज भी तो होगा या बीमारी को, है इलाज ना को या बीमारी को। अभी बस एक ही इलाज लेकर पाया या बीमारी को। है मतलब एक इलाज तो है या बीमारी ठीक है ने का। तो वही काफी है मेरे लिए, मुंह में लग गई तो वही इलाज तो ठीक है जाऊंगा मैं। और पापा चौंकाने वाली बात तो यू है, जो आदमी यहाँ पे भरोसा ना करे ना ऐसा कैसे बीमारी ठीक है जाएगी, तो वाके और फैल रही है वो तो रात रात में बूढ़ा होकर खत्म है जाए। तो सुबह जाके पता चले कि हाँ यही भी लग गई यू बीमारी। मेरे जो दोस्त के पापा है ना वो रात को वाकी मम्मी के ढिंग सोए, तो सुबह वाकी मम्मी जैसे ही उठी उनने अपने बगल में देखो यू कौन बूढ़ा सो रहा हूँ मेरे ढिंग, तो उनने धर भी दिए बा बुड्ढे में 2-3, तो उन्हें का पता ही कि यू मेरे पति है, इन्हें बीमारी लग गई है यू बूढ़े होने वाली, तो उनमें चांटे भी लगा दिए उनने। तो बाद में बताई मेरे दोस्त के पापन ने, बेटी मैं तेरा पति हूँ, मैं तेरा पति, बीमारी लग गई मेरे को बीमारी, ऐसे ऐसे कर रहे बाकी पापा। तो इतनी बात कही उनने तो फिर टपक गए। कैसे ठीक हो गई बीमारी पापा। यू बीमारी ऐसे ठीक होगी, एक कार होनी चाहिए लग्जरी कार छोरा के नाम पे, तो जैसे यू बीमारी लगे ना अगर पता चल जाए कि हाँ मैं बूढ़ा है तो जा रहा हूँ, तो वह छोरा की कार में जाकर लेट जाना 2-3 घंटा तो ठीक है जाएगा आदमी बिल्कुल। ऐसी कौन सी बीमारी है जो कार में बैठने तो ठीक है रही है, अपनी कार में बैठने तो ठीक है रही है, ऐसी कौन सी बीमारी है यू। ऐसी कह रहे पापा जैसे तुम कह रहे ना, ऐसी कह रहे मेरे दोस्त के भी पापा और अगले दिन वो बूढ़े है के कुड़क गए। ऐसी कह रहे ऐसे ही बिल्कुल जैसे अभी तुमने लिखा रही ना मुँह में, ऐसे ऐसे कैसे हो सके, तो ऐसी कह रहे वाके पापा भी और अगले दिन कुड़क गए। मैंने कब कही ऐसे। अरे मम्मी देख रही है, तुम देख रही हो कैसे सरेआम झूठ बोल रहे हैं, पापा भी कही इनने कार में कैसे लेटने तो बीमारी ठीक होगी,
ऐसा लगाई अभी तुमने? ना मैंने मैंने तो बिल्कुल भी नहीं लगाई अभी ऐसे। कही तुमने? अब पापन को भी लग जाएगी बीमारी। क्यों रे? भजी चल चल नई कार निकाल ला मैं एक है। हाँ हाँ पापा चलो जल्दी चलो। एक संग बड़ी खुशी हुई तेरे को? अरे पापा कैसी बात कर रहे हो तुम, अगर तुमको बीमारी लग भी गई अब तुम्हें कोई फर्क ना है, अब का तुम बूढ़े है रहे हो, बीमारी लग गई तो जहरी कार में आके लेट जाओगे तुम। तो खुश ना होऊंगा मैं। अच्छा अच्छा ठीक है चल चल फिर जल्दी चल। कार तो बहुत बढ़िया है आपकी। हाँ कार बढ़िया तो है पर यहाँ देख के बहुत उनकी गाल फुक रही है। अब खरीद तो सके ना, बस बकचोदी करनी आवे निरंत पे, बस कार देख के उरे कौन निकाल ली सेकंड हैंड। मैं कह रहा हूँ सेकंड हैंड लिकार के तो दिखाओ तुम, है तुम लिकार के तो दिखाओ सेकंड हैंड है, हमने लिकार तो ली सेकंड हैंड। ओए हमारे बारे में कह रहे हो तू? अरे तुम्हारे बारे में कह रहा हूँ, जो हमारी बात सुन के फुक रहे उनके बारे में कह रहा हूँ। तेरे बारे में कह रहा हूँ, अगर तेरी गाल फुक रही हो तो तेरे बारे में कह रहा। अब ज्यादा ना बोल लो तू। कहा है वो तेरे दोस्त भज्जी जो कल बड़ी बड़ी फेंक रखा है? नई कार लिकार के दिखा देंगे तेरे को, कल नई ऐसी कार लाऊंगा लिकार के जो मोहल्ले में काई पहना हो। कहा है बाकी कार? बात तो ये हो घर में तो लेकर ही ना रहोगे, क्या छपरी के सामने गलती से पड़ गो ना तो मेरी बेइज्जती मार देगा तगड़ी। यही मारे ना आज घर में तो लेकर के। ए है कौन की कार यू? अरे भज्जी तू तेरी कार है ये, निकाल ली है, निकाल ली दीखे। और भाई छपरी के हाल है? अब बोल ना मादरचोद। बेटा जो हम बात कह दे ना, जो बात हमने मोहम्मद लेकर दी वाह करके ही माने, सुनी करके ही माने, यू आदत है भज्जी की आदत। कहा कही हमने? माधर चोद डब्बा लेकर के जमीन पे रुखई ना रहो, रुखई ना रहो, एटीट्यूड में ऐसे बात कर रहो जैसे दिन कहाँ बन गए हो। अब बोल कहाँ बोल बता रहो, अब बोल। हमारी औकात ने कही कार निकालने की, अब बोल। आज के बाद अपने मोहल्ले तो जो भी बोले ना वह बात सोच समझ के बोलियो। औकात ने कही हमारी कार निकालने की, हटाया डब्बा सामने तो निकलन दे हमें। चल जल्दी हटा यहाँ पे आए।